हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। फ्रेंड्स, फाइनली एक और जोन से जो कि यहां पे सेकेंड डीबी लिस्ट जारी कर दिया गया और टोटल यहां पे 169 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया इस सेकेंड डीबी में। तो चलिए मैं बात करता हूँ किस जोन की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट से यहाँ की पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जोन की मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए पूरा कंप्लीट नोटिस देखते हैं और ये नोटिस आप लोगों को पूर्वोत्तर रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये पीडीएफ आप लोग चाहिए तो हमारे आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहाँ से भी आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और मेरा ये पीडीएफ डाउनलोड फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि इस चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करता हूँ। वीडियो डेली करंट अफेयर्स की पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि सबकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ से सेकेंड डीबी लिस्ट जारी कर दिया गया और यहाँ पे मतलब यहाँ पे से बहुत सारे लड़कों का सिलेक्शन हो चुका है। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो वेन्यू वो कहाँ पे होगा, तो ये हो यहाँ पे होगा, जो कि देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल यहाँ पे, जो कि है डिपार्टमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, जो कि है वहाँ पे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेन्यू। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और लेके क्या क्या जाने हैं मैं आप लोगों को देखिए यहाँ पर देखा बता रहे हैं। प्रलेखन सत्यापन हेतु बुलावा पत्र डाउनलोड करने हेतु लिंक पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की वेबसाइट पर अतिशीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभ्यर्थी कृपया निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रलेखनों के साथ नियत समय, नियत तिथि, समय एवं स्थान पर रिपोर्ट करें। प्रलेखन सत्यापन की तिथि, समय एवं स्थान में परिवर्तन हेतु कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए। और क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। पहला, प्रलेखन सत्यापन हेतु बुलाए गए जो कि बुलावा पत्र है, जो कि एडमिट कार्ड डाउनलोड के जो कि है उसका एक प्रिंट ले लेना है आप लोगों को। उसके बाद जन्मतिथि जो कि ओरिजिनल हाई स्कूल मार्कशीट 10 जो कि है ये किस चीज़ लेके जाना है आप लोगों को, तो प्रूफ ऑफ बर्थ एंड फोटो कॉपी, इसकी मतलब इसकी फोटो कॉपी ले लीजिएगा, यानी कि बर्थ के लिए जो कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए तौर पर ये काम करेगा 10th क्लास की मार्कशीट आपको। उसके बाद से मूल आवेदन पत्र की एक प्रिंट, जो कि प्रिंट आप लोग ले जाएगा। अगर प्रिंट आपके पास नहीं होगा तो भी आप लोग जाएगा, वहाँ पर ऑलरेडी प्रिंट होता है आपके अप्लीकेशन फॉर्म का। अगर आपका अप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट खो गया है तो भी आप लोग जाइए उसके बिना ही, वहाँ पे ऑलरेडी से रहता है। उसके बाद से यहाँ पे सभी शैक्षिक जो कि यहाँ पे देखिए सभी शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यताओं के मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी एक एक छाया प्रति आप लोगों की लेके जानी है। और जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए ST/ST सर्टिफिकेट जो भी उन सब का है उनका एनेक्सर बनवा के आप लोगों को, स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को नहीं लेके जाना है, जो भी कैटेगरी वाइज आपकी EWS ST/ST आपको रेलवे का एनेक्सर डाउनलोड करना है। और एनेक्सर के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जा सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं अपना एनेक्सर डाउनलोड कर जो कि PDF फाइल दे दूँगा। और एनेक्सर को आप लोग कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के कास्ट सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कराना है, इसके लिए आप लोगों को एक वीडियो का जो कि मैं अपने चैनल पर अपलोड किया, उस वीडियो का आप लोग कंप्लीट देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम जो कि, और उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का है, वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का, उसको आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कास्ट सर्टिफिकेट में कैसे कन्वर्ट कराएं, क्योंकि एनेक्शन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेलवे में जब जाइएगा ना, तो उस दिन आप लोगों को स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट जो कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहाँ पर मांगेंगे ही नहीं आपको, डायरेक्ट वहाँ पर एनेक्शन मांगा जाएगा रेलवे का फॉर्मेट में। तो आप लोग कैसे कन्वर्ट कराना है उसको आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, आर्थिक रूप से कमजोरी EWS या ये सब उन सबों का है कैटेगरी वाइज, जो कि वहाँ पे छाया प्रतीक लेके जाना है, तो देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद से पासपोर्ट आकार के 4 फोटो यानी कि पासपोर्ट आपका 4 फोटो जाना चाहिए, आपका मूल आधार एवं छाया प्रति ओरिजिनल आधार कार्ड आप उसकी प्रिंट आउट लेके जाना है। और वहाँ पर चिकित्सा शुल्क है यानी कि जो मेडिकल जो फीस है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो लास्ट टाइम पर आप लोग से 16 रुपये लिया जाएगा, जो कि मेडिकल मेमो देने के लिए आपका मेडिकल कहाँ पर होगा वहाँ पर के लिए स्लिप दे दिया जाएगा आपको, 16 रुपये उसके लिए चार्ज किया जाता है। तो आप लोग 16 रुपये एक्सचेंज लेके जाइएगा, चेंज लेके जाइएगा, अगर चेंज नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पे बाद में प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग 16 रुपया चेंज भी लेके जाइएगा। उसके बाद देखिए प्रलेखन सत्यापन यहाँ पे और सब इंस्ट्रक्शन दिया गया, इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से देखिए आप लोग क्या क्या और है प्रलेखन सत्यापन है, तो गोरखपुर, इज्जत नगर, बादशाह नगर, लखनऊ, बनारसी, ये सब सारा डिटेल्स दिया गया है। तो चलिए फाइनली देखते हैं आप लोगों को हम कौन कौन से यहाँ पर खाने पीने का ठहरने का, देखिए यहाँ पे अभ्यर्थियों को अपने खाने पीने ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग खाने पीने का व्यवस्था आप लोग 3-4 दिन का लेकर आना होगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जाइएगा। और देखिए निर्धारित तिथि उसके बाद से देखिए निर्धारित तिथि समय एवं यहाँ पर प्रथम पाली 9 बजे से द्वितीय पाली 14 बजे, यानी कि 2 बजे से रिपोर्टिंग करने
रिपोर्टिंग नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को प्रलेखन सत्यापन में भाग लेने नहीं दिया जाएगा, लेने जो तो आप लोग समय से आप लोग पहुंच जाइएगा वहां पे, ठीक है। और चलिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ लिस्ट, कितने से कितने छात्रों का कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। आप लोग देखिए यहाँ पे आ गया लिस्ट, आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग डाल के सर्च मार सकते हैं, नेम से भी सर्च मार सकते हैं। और ये सेकेंड डीबी कब से स्टार्ट हो रही है, तो 29/5/2023 से स्टार्ट हो रही है। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कब कितना तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 29/5 से स्टार्ट हो रहा है। और टोटल कितने छात्रों का सिलेक्शन हुआ है देख ले सकते हैं आप लोग यहाँ पे, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ टोटल कितने छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। और आप लोग अपना नाम सर्च मार सकते हैं इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके, पीडीएफ फाइल आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट को कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के कास्ट सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कराना है, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमारे वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में अवेलेबल होगा। देखिए टोटल कितने छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, टोटल 169 छात्रों का सिलेक्शन हो गया इस जोन से। सेकेंड डीवी लिस्ट आ चुकी है इस जोन की, गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जोन की। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 169 और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लास्ट डीवी जो है, दो दिन में डीवी कंप्लीट भी हो जा रही है, 30 तारीख को भी, 29 को भी हो रही है, 30 को, दो दिन में ख़त्म डीवी। तो आप लोग जो भी वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।